तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बजरंग इंसान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो मैं लाने वाला हूँ और बहुत ही अच्छा अच्छा मैं टॉपिक पर वीडियो लाते रहूँगा। और आज का वीडियो भी बहुत ही खास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग के लिए यूज़फुल वीडियो है। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हनुमान जी अगर चाहते हैं कि आप लोग वीडियो देखें ताकि हनुमान जी आपकी ज़िंदगी से सारे परेशानियाँ ही ख़त्म कर देंगे। तो आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ। अगर आप बहुत ही परेशान रहते हैं, जैसे हैक्टिक मतलब दिमाग जो है ना कभी कभी काम करना बंद कर देता है कुछ सिचुएशन में, और बहुत ही परेशान रहते हैं, ठीक है ना, और फ्रस्ट्रेट जैसा महसूस आपको लगता है कि अगर कोई भी अगर बोल दे चिड़चिड़ापन, जैसे कि आपको अगर उस समय कोई किसी से आप बात करना नहीं पसंद करेंगे, कुछ काम करना पसंद नहीं करेंगे, और अजीब सा महसूस लगता है, कभी कभी होता है, मेरे साथ भी होता था और अब तो नहीं होता है। उसके लिए मैंने प्रभु का कृपा है मेरे ऊपर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं धीरे धीरे सारा चीज़ बताऊँगा। तो अगर आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, जैसे बहुत ही परेशान हैं, जिन मतलब कभी कभी होता है कुछ काम नहीं बन रहा है तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं लोग, और सोचते हैं कि किससे बातें करूँ, क्या करूँ जैसा मेरा परेशानी ख़त्म हो जाए और मेरा दिमाग हल्का हो जाए। क्योंकि उस समय दिमाग जो है ना बहुत ही अजीबो गरीबो दिमाग में निगेटिव थाट्स आते हैं, बहुत ही बकवास बकवास मतलब विचार आते हैं। उस समय आप लोग मतलब उस समय इतना आदमी मतलब फ्रस्ट्रेट रहता है, इतना मतलब परेशान रहता है उस दिमाग के कारण से कि आदमी अगर उस समय अगर आप उसको 1 करोड़ रुपया भी दे दोगे ना तो उस समय वो भी भूल जाएगा। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ रहे होंगे कि परेशान अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान होने के बाद, फ्रस्ट्रेट होने के बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उस समय बहुत ही उस समय दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं, इतने बकवास बकवास थॉट्स आते हैं कि आदमी उसमें पागल जैसा बिहेव करने लगता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, किसी से कुछ भी बोल सकता है। उस समय आदमी को अकेला छोड़ दे, अकेला ही छोड़ दे, और अगर कोई जानते हैं तो उसको समझाए कि आप लोग कुछ ऐसा करें कि दिमाग आपका हल्का हो जाए। तो मैं वही आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि अगर आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ऐसा हाइपर जैसा महसूस करते हैं, कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग ये उपाय करके देखिएगा। मैं लिख के बोल रहा हूँ आपको, अगर आप ये कर लिए तो आपका दिमाग एकदम टेंशन ख़त्म हो जाएगा, परेशानी ख़त्म हो जाएगा, आपका हल्का लगेगा आपको। तो करना क्या, अगर आपके पास ये सिचुएशन है तो आप लोग कुछ मत कीजिए, हनुमान जी का बजरंग बाण का जो है पाठ आप मोबाइल में हेडफोन में 3 बार बजरंग बाण का पाठ जरूर सुन लीजिए, ठीक है ना। 3 बार बजरंग बाण का पाठ सुन लीजिए। मैं तो 2 ही लाइन सुनता हूँ ना, इतना सुकून मिलता है ना कि मत ही पूछो। तो आप लोग 3 बार मैं ज़रूर बोलता हूँ, जो ज़्यादा परेशानी में है, जो ज़्यादा मतलब बोले ना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा, तो आप लोग 3 बार ज़रूर इस 3 बार बजरंग बाण का पाठ जरूर मोबाइल में, कान में हेडफोन आता है ना, आप लोग को पता ही होगा, हेडफोन लगा के जरूर सुने और एकांत में सुने, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और 3 बार सुन लीजिए। और आप लोग सुन के उसके बाद आप लोग महसूस कीजिए कि एक अलग ही एनर्जी फील लगेगा आपको, और सारी परेशानियां ही ख़त्म कर देंगे बजरंग बली, आपको हिम्मत देंगे, बल देंगे, और एक ऊर्जा, अलग ही ऊर्जा शक्ति मिलेगा आपको। आप लोग ये करके देखिएगा जरूर। मैं तो 2 ही लाइन बजरंग बाण का सुनता हूँ ना तो इतना अच्छा हल्का महसूस होता है, आप लोग हल्का महसूस भी करने लगोगे। आप लोग 3 बार हनुमान बजरंग बाण का पाठ जरूर कान में लगा के जरूर सुनिएगा। अगर आप लोग के लाइफ में, आजकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, तो आप लोग ये सब उपाय करके देखिए। मैं इतना जरूर बोलूँगा, भगवान भक्ति से और भाव से खुश हो जाते हैं, पढ़ने से ना पढ़ने से, आप अगर दिल से आप प्रभु को मानते हैं ना तो प्रभु आपके हमेशा पास रहेंगे। आप लोग दिल से याद कीजिए बजरंग, जैसे जितना पढ़ने से फ़ायदा मिलता है ना उतना ही उतना सुनने से भी मिलता है। अब बजरंग बाण का पाठ भी सुन लोगे ना तब प्रभु आपकी सारी संकटें ही ख़त्म कर देंगे,
तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो क्लियर करने के लिए तो ज़रूर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे हद तक। ओके, तो डू यू शेयर लाइक कमेंट से सब्सक्राइब मेरे चैनल। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे, हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक सुंदर से वीडियो में। बाय बाय, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बजरंग बली के बजरंग बली सारे मेरे जितने फैमिली हैं बजरंग इंसान के, सभी को आशीर्वाद, बजरंग बली का सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।